अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आर्यन पब्लिक स्कूल गिद्दड़बाहा में वेस्ट मटेरियल से स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए। इस मौके पर धर्म बोर्ड गिद्दड़बाहा के प्रधान स्वर्ण सिंह गर्ग की ओर से खास तौर पर स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट को देखकर उनको अपना आशीर्वाद देकर उनकी हौसला अफजाई की। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मोनिका शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी दौरान स्कूल की कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया गया। प्रिंसिपल मोनिका शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी दौरान स्कूल के अध्यापकों व विद्यार्थियों के परिजनों का बड़ा सहयोग रहा। हाँ जी मैम, स्कूल जो एग्जीबिशन किस तरह थी? सर आज आर्यन स्कूल में जो एग्जीबिशन हुआ उसकी जो थीम थी बैक टू को वेस्ट थी। बच्चों को अवेयर किया गया कि कैसे हम लोग वेस्ट चीजों को यूज करके नई चीजें बना सकते हैं, जिसमें कि बच्चों ने बहुत सारी वेस्ट चीजों को यूज करके डेली यूज की चीजें बनाई, जैसे कि फोटो फ्रेम्स हैं, गिटार्स हैं, वाटर कंडेंसर हैं और बहुत सारी चीजें, जिसमें क्लास सेकेंड से लेकर क्लास टेंथ के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस जो हमारा एग्जीबिशन रहा इसमें पेरेंट्स की कॉपरेशन एज वेल टीचर्स की गाइडलाइन दोनों ने बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनाकर और बहुत अच्छा काम किया। बच्चों ने बड़े अच्छे से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हमारे सामने पेश किए। इसमें क्लास सेवन से लेकर क्लास टेंथ के बच्चों का जो थीम रहा वो स्ट्रीट साइंस, मतलब साइंस एट द होम। बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए वेस्ट पेपर को वेस्ट थिंग्स को यूज करके, जिससे बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंस सीखने को मिले, जैसे वोल्केनो कैसे कैसे काम करता है, जैसे हाउ टू वी प्रिपेयर द इलेक्ट्रिक जनरेटर अदर थिंग्स। तो आज का ये एग्जीबिशन मुझे लगा कि बहुत अच्छा एग्जीबिशन रहा, जिसमें मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। एज वेल पेरेंट्स की कोऑपरेशन के साथ सक्सेसफुली हम लोग आगे एग्जीबिशन कर पाए। थैंक यू। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।